आज मैं आपको कुछ मेन बातें बताऊंगा जो कि सेकंड हैंड कार लेने से पहले आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेकंड हैंड कार लेना हर किसी के बस की नहीं होता, क्योंकि सही चीज़ जांच करना ज़रूरी होता है। किसी मैकेनिक को दिखाना, और क्या पता मैकेनिक का भी कमीशन हो, वो तो सही ही बताएगा। और अगर आप अपने खास मैकेनिक को लेके जाएंगे या दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि वो आपके पक्ष में 100% ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कह देगा छोटी मोटी दिक्कत है, ये तो मैं खुद कर दूंगा, इसमें काफ़ी खर्चा नहीं आएगा, कम ही खर्चा आएगा, क्योंकि वो अपने बारे में भी सोचेगा कि मेरा भी भला हो। टॉपलिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। सही बात तो यह है, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो मैं आपको बताऊंगा बातें, उसे अगर आप फॉलो करोगे तो आप सेकेंड हैंड कार लोगे तो आपके हाथ जेन्युइन कार ही लगेगी। और ज़्यादातर गाड़ी बाहर जो मैं आपको बताऊंगा उससे आप खुद भी देख सकते हैं और आपको सही चीज़ हाथ लग सकती है। आपकी सबके साथ ऐसा अक्सर होता होगा कि कोई आपका पड़ोसी या रिश्तेदार सेकेंड हैंड कार लाया होगा और गाड़ी देख के आपके मन में ख्याल आया होगा कि यार ये तो बढ़िया गाड़ी ले आया, गाड़ी न्यू जैसी ही ले आया। लेकिन इसमें कितनी असलियत होती है ये तो उसे ही पता होता है, वो बुराई क्यों करेगा। अगर सही लाया होगा जब नहीं करेगा, और ख़राब लाया होगा जब नहीं करेगा, क्योंकि ख़राब लेके आया होगा तो वो बुराई करेगा तो उसकी गाड़ी वो बिक नहीं पाएगी। असल बात तो वो उस गाड़ी को बेच के ही बताएगा, क्योंकि बुराई करने से गाड़ी कौन लेगा। अब जानते हैं कैसे बढ़िया गाड़ी जांचें। देखो, जो मैं आपको बताऊंगा उससे आप आसानी से जान सकते हैं वो गाड़ी बढ़िया है या नहीं, चाहे डीलर के पास हो या किसी घर में या फिर किसी रिश्तेदार के पास। सबसे पहले जो भी आपने अपना बजट बनाया उसके हिसाब से आप कार ढूंढोगे। और सेकंड हैंड कार जब भी लो, एक कार ना डिसाइड करके दो या तीन कार चॉइस में रखें, क्योंकि सेकंड हैंड में ये नहीं पता होता कौन सी अच्छी हाथ लगेगी। क्योंकि अगर आप एक कार डिसाइड रखोगे तो जो जो आप कार देख के आओगे उसे एक दूसरे से कंपेयर करोगे कि वो सही थी या उसमें यो कभी थी, मतलब तीन गाड़ी देखी उसमें से जो भी एक दूसरे से कंपेयर करोगे तो आप उनमें से एक ने एक डिसाइड कर ही लोगे, चाहे उसमें हल्की मल्की कमी हो। इससे बचने के लिए आप दो या तीन गाड़ी अलग अलग चॉइस में लें, यानी कि अगर आप वैगनार देख रहे हैं तो स्विफ्ट भी डालें, ग्रैंड भी डालें, यानी तीन चार गाड़ी चॉइस में डालें और सेंट्रो भी। चलिए जानते हैं कुछ ध्यान वाली बातें। कार सर्विस रिकॉर्ड होनी चाहिए, और ये सर्विस रिकॉर्ड वो होती है जिनकी कार की सर्विस शोरूम पर ही होती है उसी कंपनी के। वो रिकॉर्ड होता है नज़दीकी शोरूम या कार का नंबर से आप पता कर सकते हैं ऑनलाइन भी, क्योंकि ज़्यादा गाड़ियों का मीटर पीछे हुआ हुआ रहता है और वो चली हुई ज़्यादा होती हैं और मीटर में कम आता है। ये सर्विस रिकॉर्ड वाला ऑप्शन चुने पहली चॉइस। दूसरी, सर्विस रिकॉर्ड से आगे आप ज़्यादातर ये देखें कि गाड़ी 40,000 किलोमीटर से कम ही चली हुई हो, क्योंकि कम चली हुई गाड़ी ज़्यादा बेहतर होती है। और उसे पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, गाड़ी के जो टायर होते हैं वो कंपनी से ही आए हों, यानी कंपनी फिटेड टायर हों। जब वो शोरूम से गाड़ी निकली हो तो वे टायर उसी के साथ आया हो, वो आपको बिल में पता लग जाएगा कि कौन सी कंपनी के टायर थे इस कार में। तीसरी बात कंडीशन की है, और कंडीशन देखने चलाने से पता चल जाती है। गाड़ी का इंजन जेन्युइन होगा अगर सर्विस टाइम पे हुई भी होगी, और सब चीज़ें चलती हुई होनी चाहिए, एसी भी चालू रहना चाहिए। अगर आप ऐसी गाड़ी लोगे तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी गाड़ी हाथ कैसे लगेगी, ज़्यादातर ऐसी दिखती कहाँ है। देखो, ज़्यादातर सब ऐसी गाड़ी ढूंढते हैं जिसकी रिसेल वैल्यू हाई हो, तो इसका मतलब उसमें कंपटीशन ज़्यादा है, और आपको हाई रिसेल वैल्यू वाली गाड़ी 2 महीने तक रेगुलर अगर आप कहीं कहीं ढूंढेंगे तो जब हाथ लगेगी। ये किसी डीलर के पास, रिश्तेदार के पास OLX पे देख ली, थोड़ी मुश्किल है लेकिन मिल जाती है। आसान यह है, गाड़ी आपको जल्दी और जेन्युइन वाली मिलेगी तो रिसेल वैल्यू कम होती है। अगर आपको गाड़ी जल्दी और जेन्युइन चाहिए तो उसकी रिसेल वैल्यू कम ही मिलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो वैगनार ही मिले या सेंट्रो मिले, वो कोई सी भी मिल सकती है। जिसकी रिसेल वैल्यू कम होती है तो वो सस्ती मिल जाएगी, और दूसरी जल्दी हाथ लग जाएगी और जेन्युइन। गाड़ी अच्छी होनी चाहिए चाहे किसी भी कंपनी की हो, और कंडीशन भी अच्छी। आपको एक छोटा सा किस्सा अपना बताता हूँ। मैं अपने फ्रेंड को कार दिलाने गया सेकंड हैंड, उसे वैगनार CNG वाली चाहिए थी, हर जगह फिर रहे थे। अक्सर ऐसा होता है जब ढूंढने निकलते हैं
तो उस बजट में गाड़ी नहीं मिलती। अगर आपका 2 लाख का बजट है तो आपको 2.5 लाख 3 लाख की मिलेगी बढ़िया गाड़ी, और जब आप 3 की निकलोगे तो 2 की 4 की मिलेगी, यानी कि अपने बजट में गाड़ी नहीं मिलती जल्दी से जो आप पसंद करते हैं। तो फिर कार देखते रहे, तो वैगनार मिली जेन्युइन, लेकिन सीएनजी में ग्रीन सीएनजी नहीं, और जैन स्टीलो देखी 2011 मॉडल 20,000 चली हुई और बजट में भी, लेकिन प्योर पेट्रोल उसमें सीएनजी नहीं। लेकिन और एक एस्कोडा फैबिया मिली बिल्कुल न्यू कंडीशन, 25,000 किलोमीटर चली हुई, सीट पर भी पन्नी चढ़ी हुई थी। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप डिसाइड करके ढूंढोगे कि स्विफ्ट या बलिनो लग जाएगी तो आपको कुछ गाड़ी जेन्युइन दिखेंगी, और जो आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलेगी जल्दी से। इसलिए गाड़ी को ऑप्शन में रखो, ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये। और आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेकंड हैंड कार किस रेंज में कौन सी आ जाती है बढ़िया।